बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वीकली टाइम पे सिस्टम कैसे बनेगा और इसका रिकॉर्ड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। वीकली मैं बता रहा हूँ, इसी तरह मंथली भी बन सकता है। ये वीक के 6 डेज है और 8 आवर्स इनकी ड्यूटी है, तो 8 6 48। ये मैंने लिखा हुआ है सीरियल नेम बेसिक्स टोटल आवर्स। टोटल आवर्स वो आएंगे जो इन्होंने दिए, इनको उठाएंगे लिंक के ज़रिए। तो यहाँ से इससे आगे अभी काम मैंने नहीं किया ताकि ये आपके साथ शेयर किया जाए। शीट टू पे जाएंगे, यहाँ पर एक शीट बनी हुई है सीरियल नेम इन आउट टाइम। ये मंडे लिखकर मैंने इन तीनों को हेडिंग्स को सिलेक्ट करके ड्रैग किया हुआ है ताकि ट्यूसडे वेडनेसडे और ये आवर्स इन आउट इनके ही आ जाए। और यहाँ पे जो टाइम इन हो रहा है 9 आउट, ठीक है 8 घंटे ड्यूटी है, आउट हो रहा है 17:05 PM। तो इनको माइनस कर दिया हमने, आउट माइनस इन। अब अगर किसी दिन इन्होंने, किसी एम्प्लॉय ने जो है ज़्यादा ड्यूटी की है, 9 बजे तक रुके हैं, तो उनके एक्स्ट्रा फिर ओवर टाइम बनेगा, उसको फिर टोटल करना है हमें यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट डे का फिर इनका इन आउट किया है, फिर टोटल फिर कितने घंटे किसने काम किया है ये, तो कंटिन्यूस तरह हर डे का जो है हमने इन आउट किया हुआ है यहाँ पे। ये काम करने के बाद पूरे वीक का, और इसी तरह मैंने बताया मंथली भी बना सकते हैं, टोटल आवर्स निकालने हैं इक्वल सम इफ फर्स्ट जहाँ पे इन आउट और आवर्स है इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ से स्टार्ट टाइम हो रहा है इन, और F4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे वो लिखना है जो यहाँ आपने टाइम कैलकुलेट वाले कॉलम की हेडिंग दिए, तो आवर्स मैंने दिए, तो यहाँ पे मैं जो क्राइटेरिया है वो आवर्स ही लिख रहा हूँ। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और कहाँ से टाइम को टोटल करना है वही फर्स्ट जहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है हमारे पास इन, इससे फर्स्ट रेंज का जो टाइम आउट है एंड तक पूरे वीक का सैटरडे तक इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सेल एड्रेस रेंज आ गई, इसको एब्सोल्यूट कर दिया नेम हेडिंग्स को, और ये ऐसी रहेगा हमारे पास। और इसको अब क्योंकि टाइम 24 घंटे के फॉर्मेट से होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको 24। ये रेंज नॉर्मल ही रहेगी क्योंकि नीचे ड्रैग करेंगे, इसी तरह इंटर कर दें। और ये हम फार्मूला लगा रहे हैं टोटल आवर्स एंटर, ठीक है जी। 48 आवर्स बनते हैं, 1 घंटा इनका एक्स्ट्रा ओवर टाइम चला गया 49। अब ये सारा डाटा हमें यहाँ पे उठाना है, तो इसके लिए हम इक्वल लगाते हैं, शीट पे जाएंगे सेम टू सेम, और फर्स्ट जहाँ 1 लिखा हुआ है ये नाम पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो भी चेंजेस होगी इस तरह ट्रैक कर लें। 7 तक है मेरे पास रिकॉर्ड 7, और इसी तरह अब इसके नाम भी हमें चाहिए, तो यहाँ मैं राइट फिल करूँगा, उनके नाम लिंक की शक्ल में आ जाएंगे। बेसिक पे जिसकी जो बेसिक्स वीकली पे होगी वो आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है जी। आवर्स के लिए जहाँ भी समिफ लगाया है इस सेल में हमें लिख के बचाइए ऑटोमेटिक, ताकि ये काम करे, इक्वल लगा के शीट पे जाए। जहाँ फर्स्ट सेल में समिफ लगाया था उस फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देंगे और फिर ड्रैग कर देंगे, ठीक है जी। तो हर एम्प्लॉई ने जो पूरे वीक में इनके आवर्स होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास ड्रैग। तो इस तरह से आपने लिंक के ज़रिए कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप जब भी इन आउट करेंगे यहाँ पे एक और दफ़ा सेवेस करके नए वीक नेक्स्ट वीक का जो डेटा एंट्री करेंगे तो ये फॉर्मेट बना हुआ होगा, बस आप यहाँ एंट्री इन आउट करेंगे या ऑटोमेटिक सब चीज़ें मिल जाएंगी इसी तरह आपको। अब यहाँ पर हमें पर आवर चाहिए, पर आवर के लिए क्या करेंगे बेसिक्स डिवाइड 48। ये वीकली इनके चार्जेस हैं, यानी वीकली पे करना है, और वीकली पे के जो इनके टोटल आवर्स हैं 48 आवर्स हैं, तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनकी पे से, पर आवर आ जाएगा इनका, यानी ₹125 इनके पर आवर है। ड्रैग करेंगे
अब ड्रैग से पहले यहाँ से जो सेल हमने सेलेक्ट करा है C1, इसको F4 करना है, इसलिए एरर आ रहा है। ड्रैग कर ले इसको, ठीक है जी, इसको राउंड में ले लेते हैं। ब्रैकेट की लोस, ये पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, इस तरह से राउंड में आ जाएगी वैल्यू आपकी। तो जिस तरह ये वीकली मैंने बताया, इस तरह मंथली भी आप बना सकते हैं। अब इनके पे आवर्स आ जाएंगे और इस तरह से कैलकुलेट करने का फ़ायदा ये होगा, अगर किसी ने शॉर्ट टाइम दिया है तो उसके शॉर्ट टाइम के भी उसकी लेस होकर उसके जो टोटल आवर्स बनेंगे वो आप उसको देंगे। यानी 48 आवर्स तो सबके हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई नहीं आया, जैसे फ्राइडे को जो है इन्होंने ऑफ कर लिया, कंट्रोल जेड ये वाला टाइम है ना, फ्राइडे को इन्होंने ऑफ किया है, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इनके बन गए 46, ठीक है जी, या कंट्रोल जेड कर लेते, जिनके पूरे 48 आवर्स है उनका टाइम माइनस कर लेते फ्राइडे का, ये नहीं है तो अभी तो देखें 40 आ जाएंगे इनके। या कभी ऐसा हुआ कि जल्दी चलेगा ये 39, तो इनको उसी हिसाब से पे मिलेगी, 39 हो गए खुद ब खुद यहाँ ऑटोमेटिक। अब आपको करना क्या है, सब पर आवर निकाला हुआ है अपने, किसी ने ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो उसको पर आवर के हिसाब से उसको पे मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, पर आवर मल्टीप्लाई टोटल आवर, एंटर और ड्रैग, ठीक है जी। अब इनकी 7000 थी पे, लेकिन इन्होंने 48 आवर्स नहीं दिए वीक में, पूरे 39 डेज थे, तो इनको कट के बाद जो होगी पे मिलेगी 5694, ठीक है जी। जो मेंस के अंदर थी वो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, इसमें वीकली पे सिस्टम को बनाते हुए मजीद इसमें कंडीशन बन सकती है, ओटी की अलग, के ओटी का पर आवर से डेढ़ मतलब ज़्यादा मिलता है इस तरह, तो उसमें भी फिर आप सेपरेट करके ओवर टाइम निकाल के उसको मल्टीप्लाई करा दें पर आवर में 5% और प्लस ऐड करके। तो जो इजी मेथड था वो मैंने इसमें आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से और मजीद इसके अंदर काम कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से, जो मैंने मेन चीज़ें थी वो कवर करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।